बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाक टीवी 24 के मौजूद नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो के आखिर में एक दफ़ा आपका जो जिस्म है वो ज़रूर कांपेगा। ये वीडियो एक मस्जिद की है जिसमें जो एक शराबी है वो मस्जिद के अंदर आता है। मिस्र का ये वाक़या है। नमाज हो चुकी होती है, जमात हो चुकी होती है, मगर ये जो शराबी है इमाम मस्जिद से ज़िद करता है कि वो जमात कराएं। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो इस शराबी को रोकते हैं कि ये शराबी है, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, मगर जो इमाम मस्जिद है वो इसको लेकर आते हैं। इसको वजू करने का कहते हैं, इसको वजू करने का तरीका नहीं आता। जो इमाम मस्जिद है इसको वजू करवाते हैं, इसको बताते हैं। उसके बाद इस वजू करने के बाद इमाम मस्जिद जो है लेकर आते हैं, मस्जिद के अंदर सफ पर खड़ा करते हैं। वहाँ जमात का आगाज होता है। इमाम मस्जिद के साथ ये जो नौजवान है, ये जो शराबी मस्जिद में आता है, ये नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर होती है, फिर रुकू में जाते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, उसके बाद उठते हैं, उसके बाद फिर सजदे में जाते हैं, इमाम मस्जिद खड़े हो जाते हैं, मगर ये जो शख्स है, ये जो शराबी है, ये सजदे में ही रहता है, ये वहाँ से नहीं उठता। जो इमाम मस्जिद है जिसने इसको वजू करवाया, ये अपनी पूरी नमाज मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरते हैं, तो जब इस शख्स को देखते हैं तो ये शख्स जो है ये फोत हो चुका होता है। इस शख्स ने एक सजदा किया, उठा, दूसरे सजदे में जाता है और इसकी जो रूह है वो निकल जाती है। जो लोग पहले इसको मस्जिद में दाखिल आने से रोक रहे थे, वो अब इसकी किस्मत पर रश कर रहे हैं। इमाम मस्जिद उनको बुलाते हैं, वो इसको उठाते हैं और फिर इमाम मस्जिद जो है इन बच्चों को, ये जो लोग हैं, इनको बताते हैं कि खुदा जब चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे हिदायत दे दे, भले वो हिदायत मौत से कुछ लम्हे कबल ही हो। ये वो मौत है जो शराबी को मिली, कि हम सब चाहते हैं कि हमें सजदे में मौत हो, मगर एक शराबी को खुदा की ज़ात ने सजदे में मौत देकर हम सबको ये बताया है कि इंसान माफ़ी मांगे तो खुदा की ज़ात कभी भी उसको माफ़ कर सकती है। इंसान बस माफ़ करे और इस्तग़फ़ार करता रहे। और हम सबको अब यही चाहिए कि हम ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और खुदा की ज़ात से हमेशा एक अच्छी और ईमान वाली मौत की दुआ करें।